जनाब इकबाल सर और श्री शफीकुर रहमान सर जो जाकुर हुसैन टीचर है जाकुर हुसैन स्कूल उनको प्राइमरी स्कूल के शफीकुर रहमान सर है और जनाब इकबाल सर चारखाना जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के टीचर है। इन हजरात ने बखूबी अपना वक्त दिया है मैं इनके लिए कि है लोग कहीं जहाँ भी अच्छे जो आते हैं वो काम स्कूल के स्टेज पर जलवाफोजत माँ तमाम मेहमान अजीम सरपरस्त और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस शुक्र से बात का आगाज़ करता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो। मेरे प्यारे बच्चों, तालीम मेरे ख्याल में रास्ता है, हम तालीम को मंजिल समझते हैं, इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है और इस रास्ते को जो चीज़ रोशन करती है आपको ठोकर लगने से बचाती है, आपको बनी बनाई व्यायाम से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज़ है तरबियत। मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को तालीम एक रोटी कम खाइए लेकिन तालीम दीजिए और तरबियत कीजिए, क्योंकि आजकल की माएँ सिर्फ मोबाइलों में इतने मगन हैं पता नहीं क्या हो गया है। आप ये देखे होंगे कि छोटे छोटे प्यारे बच्चों ने एक्शन सॉन्ग के जरिए आपको मैसेज दिया है, सिर्फ एक्शन करने के लिए नहीं दिए हो, आपको कुछ मैसेज दिए हैं, चाहे दर्दों के बारे में हो, चाहे तालीम के बारे में हो, चाहे इंग्लिश स्कूलों के बारे में हो, लेकिन तालीम हर हाल में जरूरी है। इंसान अगर बाकिरदार होता है तो तालीम ही है, तालीम अगर देंगे तो इंसान वैसी कहलाता है। इसलिए हमें हर घर के अंदर नमाजों के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी दें। मोबाइल से कोसों दूर हो, एक मोबाइल एक नशा है, एक नशा हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उस चीज को दूर कीजिए। आप नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे भी आपका देखकर वो नमाज पढ़ेंगे। मेरा एक जगह दावत में जाना हुआ, वैसे तो मैं दावत में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन छोटे छोटे दो बच्चे थे बाजू में, मेरे बच्चा बैठा हुआ था, मोबाइल लिया हुआ था, छोटा सा मासूम बच्चा एक डेढ़ साल का तकरीबन, और उसके वालिद के हाथ में भी एक बच्चा था, यानी खा रहे थे दोनों भी खाना, तो खाते खाते एक हाथ से वो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कर रहा है और एक खाना धुना खा रहा है। बताइए हमारे के नबी ने ये बताया है, और वालिद साहब के सामने में बच्चा दूसरा भी बच्चा वो भी मोबाइल, बताइए जितने अफराद घर में हैं उतने अफराद के घरों में मोबाइल है, जितने अफराद उतने मोबाइल कम होना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए नुकसान है। मोबाइल अच्छी बात नहीं है, कैसे कैसे बीमारियां हो रही हैं, इसलिए हमें मोबाइल से दूर रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सालों ने जैसे जनाब शकील साहब मराठी पत्रकार और जनाब शहजाद खान मराठी पत्रकार मुफ्ती करीम बेग, इन्होंने तालीम के बारे में आपको बताई है, तो तालीम बहुत जरूरी है, आगे हमें आगे बढ़ना है तो तालीम सीखना जरूरी है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि बेइल्मी मुफलिस की माँ है, जिस कौम में इल्म हुनर नहीं होता वहाँ मुफलिसी आती है, और जब मुफलिसी आती है वो हजारों मुजरिम सरसद हो जाते हैं। यानी बताने का मकसद है, तो आप जो है सबसे ज्यादा तुम्हें ज्यादातर पुलिस स्टेशनों में सबसे ज्यादा हमारे ही नाम है, मारा मारी में हमारे ही नाम है। आप अगर गौर करेंगे 10 बजे के बाद अगर मोहल्ले का अगर जायजा लिया जाएगा तो सब बच्चे लाइन से खड़े हुए मोबाइलों में है, क्या हो रहा है, ये कौन कहाँ जा रही है। लड़कियां माशाल्लाह हर पल आगे तालीम के मैदान में आगे हैं, लड़कियां लड़के सिर्फ तालीम बजाने में रह गए हैं, क्यों हो रहा है। वालिदैन इसकी तरफ तवज्जो दें और उनको 10 से पहले सोने के लिए कहा जाए, उनके ऊपर मोबाइल में क्या देख रहे हैं उसके ऊपर गौर करें, फेसबुक देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं या तरह तरह के व्हाट्सएप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर क्या आ रहा है, ये इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं अपनी यहाँ पर सभी बच्चों ने माशाल्लाह ऐसा
के नमरा देने में हमारे पसीने छूट रहे थे। पता नहीं एक से एक चढ़कर यहाँ पर बच्चों ने अपने अर्शन स्वाम को तकरीर को मुजाहरा बहुत अच्छी तरह से किए। तो चलो देर ना करते हुए, बहुत सुबह से आए हुए हैं सभी वाले थे और मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है, इसलिए मैं सबसे पहले ड्रामे के अंदर जो सेकंड नंबर पर हासिल किया है उनका सेव ट्री है, उनका नाम है राहत सवा शेख अब्दुल रहीम गुल, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। पहला मुकाम हासिल किया है तालीम की अहमियत इंशान अब्दुल शेख राजू, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम नजर नाम और गीत और दुआएं सबको एक जगह ही किया गया है यहाँ पर। तो सेकंड मुकाम हासिल करने वाले ना क्या कहा हलीमा ने रफ्तार आलम वाजिद खान पठान, इन्होंने मुकाम सेकंड हासिल किया है। पहला मुकाम हासिल करने वाले हम हरदम अल्लाह अल्लाह जोया शेख अब्दुल जब्बार गुरु, अव्वल मुकाम हासिल किया है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे इवेंट की तरफ एक्शन सॉन्ग, इसमें मेरे टीचर को तो सकीना बतूल शेख सलीम अहमद ने दूसरा मुकाम हासिल किया है। उसके बाद पहला मुकाम हासिल करने वाले मेरी प्यारी आमी सकीना बतूल शेख सलीम अहमद गुरु। उसके बाद तकरीर मोबाइल फोन एक आलम मुजहर बेगम शेख वसीम अहमद, इन्होंने दूसरा मुकाम हासिल किया है। इसके बाद पहला मुकाम हासिल करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मतों से मोहब्बत बीबी हाजरा शेख अब्दुल कुद्दूस, इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। और हमने यहाँ पर कव्वाली का अलग से उसका इनाम हासिल उनका अलग से इंदिरा दर्ज किया है। कितना मुश्किल है उनको समझाना, जोया शेख साजिद गुरु इनका पहला मुकाम हासिल किया है, इसलिए यहाँ पर मुझे जज के लिए बुलाया गया है। तमाम असातिज़ा और हमारे सदर जागीर सर उनका बहुत इस्तार था कि आप आइए आप आइए, और हमारे अदर सर है हमारे दोस्त भी हैं और हम साथ स्कूल भी जाते हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे बख्शा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखिए आज ये जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर तशरीफ लाए हुए तमाम मेहमान सदर साहब हमारे स्कूल से सैयद अहमद मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूल के सेक्रेटरी जनाब शेख अलहाज अजहर साहब और जितने भी लोग मेहमान खुसूसी टीचर्स यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और पेरेंट्स, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ।